और मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा, तो आज मैं इसी टॉपिक पर भी बात करूंगा। पहले बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक का यूज करते हो किसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए। अब आपके थॉट्स यूनिवर्स या आपके आसपास के इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। मैंने अपनी वीडियोस में कहा था कि हमारे दिमाग में थॉट्स सेंड और रिसीव दोनों करने की क्षमता होती है। हमारे थॉट्स वो लोग रिसीव करना शुरू कर लेते हैं जो आपके गोल्स को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं, और ब्रह्मांड भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना शुरू कर देता है जिससे कि आपको अपनी मनचाही चीज मिल सके। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, तो उसके गांव से उसका एक रिलेटिव आता है जो दिल्ली में जॉब करने के लिए आया था। तो वो रिलेटिव उसी के साथ रहने लगा, और जिस घर पे वो रहते थे उस घर पर दो और लड़के भी रहते थे जो खाने पीने और छोटे मोटे एक्सपेंसेस इक्वली शेयर करते थे और इक्वली पे करते थे, और उन्होंने अपने कामों को बांट के रखा था। जैसे कि एक का काम होता था घर को साफ करने का और एक का काम होता था घर पे खाना बनाने का। उन्होंने अपने कामों को बांटा हुआ था, लेकिन मेरे दोस्त का जो रिलेटिव था उसको उसी घर में 2 महीने हो गए थे। वो रिलेटिव कुछ भी काम नहीं करता था, वो हर एक चीज फ्री की यूज करता था, फ्री का वाईफाई, फ्री का रेंट, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, हर एक चीज। रिलेटिव और उम्र में बड़ा होने की वजह से वो 3 दोस्त उस आदमी को काम करने के लिए नहीं कहते थे, लेकिन वो पीठ पीछे ये जरूर बोलते थे कि ये बहुत कामचोर है और ये घर से निकल जाना चाहिए। उस आदमी की वजह से घर में नेगेटिव एनर्जी फैली थी। वो 3 दोस्त यही रोज बोलते थे कि ये आदमी घर से कब निकलेगा। एक दिन क्या हुआ कि वो आदमी बहुत बीमार हो गया। डॉक्टर के पास ले जाने पर पता चलता है कि उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि इसकी देखभाल के लिए कम से कम घर पे किसी को तो होना चाहिए, लेकिन सबका काम होने की वजह से कोई भी घर पे नहीं रहता था। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि इसे यूपी वापस भेज देना अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ देखभाल के लिए उनका पूरा परिवार था और वो उसे वापस भेज देते हैं। यहाँ पर उस आदमी के साथ कर्म का लॉ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया था। उन 3 दोस्तों ने अनजाने में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया था और यूनिवर्स के जरिए सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। उस आदमी को उस घर से निकलना ही पड़ा। मैंने पहले ही कहा था कि ब्रह्मांड ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर लेता है कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये कैसे हो गया। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के तरीके। मेरे फेवरेट तरीके हैं प्रे, मतलब प्रार्थना करना, दूसरा है फील करना, तीसरा है इमेजिन करना। मैं इन्हीं 3 तरीकों का यूज करता हूँ। पहला है प्रार्थना। आप एक प्रार्थना लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, और उसे प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। जैसे कि मेरे पास एक ऐसा दिमाग है जो पैसे को अपनी ओर खींचता है, मेरा बिहेवियर इतना अच्छा है कि लोगों को मेरी मदद करना अच्छा लगता है। आपको डायरेक्टली ये नहीं लिखना है, जैसे कि मैं पैसा अट्रैक्ट करता हूँ। इस प्रार्थना को आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे दिमाग को फैक्ट नहीं मिल रहा। जैसे कि आपका दिमाग एक्चुअली में पैसा अट्रैक्ट कर सकता है, जो कि पहली प्रार्थना में बोला गया है। हमारे दिमाग को एक टूल मिल जाता है जिसके जरिए वो पैसा अट्रैक्ट कर लेता है, वो है आपका ब्रेन। दूसरे एग्जाम्पल में हमने बोला है कि मैं पैसा अट्रैक्ट करता हूँ, यहाँ पे दिमाग को कोई टूल नहीं दिखता जिसकी वजह से वो इस प्रार्थना को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा है फील करना। ये टॉपिक मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आपको फील करना है। जैसे कि आपके पास अभी एक कार आ जाए तो आपको कैसा फील होगा, आपको यही फील करना है सुबह 5 से 10 मिनट तक। या अगर आपका कोई रिलेटिव है और उसके पास वो कार है जो आपको चाहिए, तो आप उस कार को एक दिन के लिए यूज करने के लिए मांग सकते हैं, और आप फील कर सकते हैं कि कार चलाते समय आपको कैसा लगता है। आपको वही चीज बाद में फील करना है और बार बार वही चीज रिपीट करनी है। थर्ड है आपको इमेजिन करना है उस कार को और कार के होने वाले एक्सपीरियंस को। जैसे आपके पास कार है, आप कार से घूमने जाते हो, अपने दोस्त के साथ पार्टी करते हो, कार से आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाती है, आपको ये सब इमेजिन करना है। कार आने से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, आपको ये इमेजिन पहले ही करना है। आपको यही 3 स्टेप तब तक करने हैं जब तक कि आपको अपना गोल अचीव ना हो जाए। तो दोस्त, आज की वीडियो में था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के 3 तरीके। तो दोस्त, होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्त, बी मोटिवेटेड, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।